पुस्तक की जो रचना प्रक्रिया रही है, आपके मन में कैसे यह ख्याल आया कि भोजपुरी सिनेमा का इतिहास लिखना चाहिए? आप दो शब्द कहें। वैसे तो बचपन से ही मेरा झुकाव रहा था फिल्मों की तरफ। कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है। और अगर लेखक बनना है तो लेखकीय जो गुण होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लिख सकें, आप लोगों को बता सकें लिखकर। तो उस तरह का चांस मुझे मिला, उस तरह का सौभाग्य मुझे मिला, और मैंने आगे चलते चलते ये किताब आखिर में भोजपुरी फिल्मों का इतिहास तैयार हुई ये किताब, और छप कर अभी आप लोगों के सामने, आप लोगों के हाथों में प्रस्तुत है। राजन जी, इसके सोर्सेस इकट्ठा करने में आपको कितना वक्त लगा और पुस्तक को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितना वक्त लगा, लिखने में कितना वक्त लगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा इसका उत्तर भी आएगा, क्योंकि मैटर इसमें बहुत ज़्यादा है और इसके लिए पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टडी किए हुए किसी बात को अगर करना है, बताना है आपको किसी के बारे में, तो उसका प्लस माइनस सब सारी चीज़ों का गुणगान करना जरूरी होता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। लिखने से पहले मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। उन सारी कठिनाइयों का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है, तब मालूम होता है कि उस चीज़ की पर्सनैलिटी क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने जब शुरू किया काम, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि 50 साल का हिस्ट्री लिख रहा हूं मैं, तो 50 साल के लिए तो कम से कम आपको कई महीनों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्टडी करके, अच्छी तरह से मीमांसा करके, फिर उसके बारे में प्लस माइनस लिखना ज़रूरी हो जाता है। वो मैंने किया, और इसके लिए एक खुशी की बात यह है कि मेरे पास टेलीविज़न था, मेरे पास सब जो सुविधाएँ होती हैं आजकल के पत्रिकाओं के जरिए, माध्यम सब मुझको मिलते रहे, और मैं उन पर देखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा, कंटिन्यूसली रेगुलरली मैं इसको पढ़ता रहा, देखता रहा, और जो जो भी इसमें परिचय, जो जो भी इसमें परिवर्तन आता गया, वो सारी चीज़ों का जिक्र मैंने किया। अब जैसे इसमें मैं देखिए, मैंने ये लिखा है कि ये 1962 में ये फिल्म बनी, गंगा मैया तो पियरी चढ़े, पहली भोजपुरी फिल्म, लेकिन
जन्म से पहले 31 साल पहले 1931 में पहली हिंदी फिल्म बनी थी, बोलती फिल्म आलम आरा, उसमें इसका एक गीत लिया गया था कि, और वो गाना इतना हिट हुआ था, इतना हिट हुआ था कि लोगों की जबान जबान पर वो गाना था, हर लोग इसको गाते थे। और गाने में तो क्या है कि गाना के ज़रिए आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, तो ये जो गाना लिखा गया उसके कि दर्शन के लिए मैं, उसका मतलब ये है कि मैं दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, तेरा दर्शन नहीं मिल रहा है, तेरे शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, भगवान कहे तू मेरे सामने जल्दी से आ जा। तो ये भोजपुरी में गाना था, भोजपुरी तो मुझे भी आती है, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, बोलता ही हूँ। तो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये भोजपुरी फिल्म ऐसी ही है, ये है तो बोली लेकिन इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पहुँचती है, छूती है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले दुनिया के अधिकतर देशों में पाए जाते हैं, जो रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भोजपुरी सिर्फ बोली नहीं है, इसके अंदर बहुत गुण है, इसके अंदर बहुत वजन है, और ये वजन किसी दूसरी बोली में नज़र नहीं आता है, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो बज्जिका हो, चाहे वो अंगिका हो, किसी में भी ये गुण दिखाई नहीं पड़ता है जो इसमें है। और इसीलिए दूसरे दूसरे लोगों ने भोजपुरी में आकर के फिल्में बनाना शुरू किया था, क्योंकि आप देखिए ना, इसके अंदर गुण है, तभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने, उनकी भाषा भी भोजपुरी है, तो उन्होंने देखा कि उनकी भाषा में अभी तक तो कोई फिल्म बनी नहीं है, जबकि गुजराती में बन गई है, मराठी में बन गई है, मलयालम में बन गई है, तो हिंदी में भोजपुरी में क्यों नहीं बनी है। तो उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद साहब आदि से बताया, बात की, कहा कि भाई आपने के पास इतना पैसा है, आप तो कारखाने के मालिक हैं, खदान के मालिक हैं, क्या आप एक पिक्चर नहीं बना सकते हैं। उनको एक प्रेरणा मिली विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी को, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाऊंगा पिक्चर। और उन्होंने बाद में नज़ीर हुसैन जी से मुलाकात की, बात की, उनसे स्क्रिप्ट लिखवाया और फिल्म बनी, और इतनी ज़बरदस्त पिक्चर बनी कि आज भी लोग उसको याद करते हैं, उसके गाने गुनगुनाते रहते हैं। तो चीज़ ये है कि अगर आप कुछ करते हैं, सही मायने में आप करते हैं, तो उसका असर बहुत दूर तक पहुंचता है। अब जैसे मैंने भी कहा कि देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर, ये भोजपुरी बोली लगती है लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूती है, जो किसी बोली के, दूसरी बोली के बस की बात नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि भोजपुरी बोली न कह के हम इसको कहें कि एक भाषा ही है, क्योंकि भोजपुरी का बहुत विस्तार हो गया अभी, ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की बोली है, और इस तीनों प्रांतों में ये बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है, और इसलिए इसका एक अपना रुतबा है, अपना एक स्थान है, और उस स्थान को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक बात तो माननी पड़ेगी, भोजपुरिया लोगों ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है फिल्म इंडस्ट्री में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई कहा जाए कि गढ़ है या मजबूत सीढ़ी है, तो वो है भोजपुरिया लोग, जो बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और वही पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, कह सकते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, और उन्होंने ही भोजपुरी हिंदी फिल्म को आगे बढ़ाया है, तो भोजपुरी को क्यों नहीं करेंगे। तो भोजपुरी में किया, और भोजपुरी में जो दो तीन पिक्चरें उनमें बनी, जैसे गंगा मैया तो पीर चढ़ी वो, उसके बाद लागे नए छोटे राम, उसके बाद विदेशिया, ये तीन फिल्मों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी ज़्यादा इसमें कमाई हुई है। मैं एक भी और बताऊँ कि भोजपुरी की दूसरी जो अद्वितीय मिसाल है वो ये है कि जब ये पिक्चर बनी और रिलीज हुई थिएटर्स में, सबसे पहले बनारस के प्रकाश टाकिज में ये रिलीज हुई थी, उसके बाद बिहार के जितने भी थिएटर, छोटे छोटे शहर हैं, उस शहर में जितने भी थिएटर हैं, सब ने इसको अपनी इज्जत का सवाल बना लिया, कहा कि हमारे थिएटर में भी ये पिक्चर रिलीज होगी। तो जितने भी थिएटर थे उस शहर में, वहाँ के सारे थिएटर में ये पिक्चर लगी, जो आज तक
सॉरी सर इंटरप्ट किया, आप माफी चाहते हैं इसके लिए। सवाल ये है सर कि सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को डॉक्यूमेंटेड किया, इसे कागज पर उतारा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको साधुवाद और शुक्रिया। सर सवाल यह है कि आज के इस दौर में जब डिजिटल इतना मजबूत है, इंटरनेट इतना मजबूत है, ज्यादातर चीजें पब्लिक डोमेन में है। आपने जो कहानी बताई, मुझे लगता है यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को कहानी पता होगी कि राजेंद्र प्रसाद ने हमारे महामहिम किस तरह से कहा कि भाई किताब लिखी आप फिल्म बनाइए। जब सब कुछ इंटरनेट पे है, ऐसे में क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी जानकारी है जो आपकी किताब में मिलेगी जो इससे पहले पाठकों को, ऑडियंस को नहीं पता थी? क्या उसके लिए आपने कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए? क्या आपने कोई ऐसे एक्सक्लूसिव जानकारी इकट्ठा की जिसे आप हमें शेयर कर सके कि भैया ये एक चीज है जो मेरी किताब में मिलेगी? बस देखिए, जब इतिहास हम लिखने बैठते हैं तो उसमें ये देखा था इसका प्लस माइनस क्या है, वो सारी चीज़ों का उसके बारे में बोलते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो दर्शक हो जाते हैं, वो उसके गवाह बन जाते हैं और वो उसके साक्षी बनने के बाद आगे अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जो इतिहास लिखने की बात है वो इतिहास इतिहास ही होता है, भोजपुरी का इतिहास हो या हिंदी का इतिहास हो, उसमें कोई भी डिविशन नहीं हो सकता है। जो है, वो फैक्ट है और फैक्ट रह गया, उसको कोई छुप बदल नहीं सकता। नहीं वो उसमें खामखा का प्रस्तावना करके, तारीफ करके उसके रूप को बढ़ा नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो है वो है, जो सत्य है वो सत्य है। तो हम तो यही मानते हैं कि भोजपुरी में आज तक जो कुछ भी हुआ है, जो पर्दे पे उतरा है, जो प्रकाशित होकर के आया है, उसका जो रूप है वो वहीं तक रहेगा। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसके अंदर प्रचार होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है, वो जो विकास है वो फिल्म में जो बन चुकी है, वहाँ जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ही हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग हुआ है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहना है तो इतिहास ही लिखिए या तो फिर दूसरी किताब लिखिए। लेकिन अगर भोजपुरी के इतिहास लिखते हैं तो हम भोजपुरी के बारे में ही लिखेंगे, हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो फिर उस जो उद्देश्य है किताब लिखने का, भोजपुरी का इतिहास लिखने का, वो उद्देश्य बेकार हो जाएगा। इसलिए जो इतिहास में लिखा गया है वही लिखा जाएगा और वही सत्य है, सत्य को हम छोड़कर कहीं और नहीं भटक सकते। इसलिए जो कुछ भी आपने कहा है मुझे इस बारे में आपको बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि ताकि भोजपुरी क्या है, उसका रूप क्या है, गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, वो उसका आप विवरण देंगे ना, तो उसके बारे में हम लिखेंगे, किसी और के बारे में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे तो विषयांतर हो जाएगा और विषयांतर का मतलब होता है कि आपने जो लिखना था, आपने जो लिखा वो बेकार हो गया। इसीलिए भोजपुरी में जो कुछ भी लिखा किया है, हुआ है, बनाया गया है जो फिल्मों के जरिए, वो उसका जो खाका है, उसका जो लेखा जोखा है, वही मैंने उसमें किताब के जरिए आप लोगों तक, मतलब पाठकों तक पहुँचाया है। सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने जो लिखा है उसकी मैं सराहना करता हूँ, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी चीज लिखी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये जो दुनिया है तेजी से बदल गई है, डिजिटल हो चुकी है पूरी तरह से, तो पाठक वर्ग जो पढ़ने वाले पाठक वर्ग है मुझे लगता है बहुत कम हो गए हैं, डिजिटल पे ज्यादा है, तो आपने कुछ तैयारी की डिजिटल पे, क्योंकि पाठक वर्ग तो कम है, पढ़ने वाले लोग कम है। देखिए जो लेखक है, लेखक का काम क्या है, पाठक का काम क्या है, हर एक की अपनी अपनी भूमिका है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और उस सीमा को वो पार करके नहीं जा सकता है। अगर वो जाएगा तो पाठक नहीं रहेगा, अगर वो जाएगा तो लेखक नहीं रहेगा, अगर वो पार जाएगा, क्रॉस करेगा तो दर्शक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दर्शक कितना देखेगा, कहाँ तक देखेगा, उसकी आँखों की अपनी एक सीमा होती है, पहचान होती है। अगर उसको नहीं पहचान सका ठीक से तो फिर तो व्यक्तित्व का कोई ठीक से नहीं हो सका, उसका व्यक्तित्व का जो भी आप चित्रण कर रहे हैं वो सही ढंग से नहीं जाएगा लोगों तक। इसलिए हर एक की अपनी अपनी सीमा है और हर एक को अपनी अपनी सीमा में ही रह कर सारा काम करना है, तभी उस व्यक्ति का, उस वस्तु का रूप जो है, सही रूप वो उभर कर लोगों के सामने आता है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी अलग है, लेखन अलग है। लेखन अगर जाए तो यूट्यूब है, पहले तो यूट्यूब नहीं था, अब यूट्यूब आया है। अब इसी हिसाब से आगे हम बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी और उसका प्रदर्शन लोगों तक पहुंचता जाएगा। लेखक का काम है लिखना, वो उसके हाथ में कलम है, उस कलम का जितना भी सहारा ले सकता है, जहां तक वो पहुंचा सकता है लोगों तक, वहां तक वो पहुंचाने की कोशिश करता है।
बाकी रहा दर्शक, बाकी रहा पाठक, उनका भी अपना अपना बंधा हुआ रोल है, बंधी हुई उनकी भूमिका है, जिम्मेदारी है, उस तक वो भी रहेंगे तो ठीक है, अगर क्रॉस करते हैं तो फिर वो दर्शक नहीं होंगे, फिर वो पाठक नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र, मेरा एक सवाल है कि आपने इतिहास लिखा भोजपुरी फिल्मों का, आज का जो दौर है सिनेमा का, स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री का, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये दौर जो है वो पहले के मुकाबले शानदार है, उम्दा है, बढ़िया कर रहा है, या इसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है? देखिए, हम युग मानते हैं, परिवर्तनशील दुनिया है और हर चीज में परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, उसका रूप श्रृंगार सब कुछ बदलता रहता है, एक ही जगह एक ही तरीके से उसका रूप आप 50 साल तक 100 साल तक नहीं खींच सकते हैं, उम्र का भी एक तकाजा होता है, ज्ञान का भी तकाजा होता है, अनुभव का भी तकाजा होता है, जैसे जिसको अनुभव मिलता जाता है वैसे वैसे अपने विचार बदलता जाता है और उसी विचार को लेके जो जरूरी है उसको व्यक्त करता जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी विचार है, आज का जो विचार है, कल वो जरूरी नहीं है कि वो सही रहेगा, हो सकता है उसमें कुछ मिलावट आ जाएगी, कुछ उसमें वृद्धि हो जाएगी, घटाव नहीं होगा उसमें, उसमें सिर्फ वृद्धि वृद्धि होगी और उसके रूप में कुछ परिवर्तन आएगा जो उसके रूप को आगे बढ़ाएगा, खूबसूरती को बढ़ाएगा, ये चीज़ है। ये हम ये मानते हैं कि माध्यम का सबसे पहला गुण क्या है कि जो उसके सामने आता है उसको वो कैच करता है, जो उस रूप में आता है सामने उसी रूप में वो कैच करता है, उसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकता है, वो कुछ भी उसमें जोड़ नहीं सकता है न घटा सकता है, वो कि जो है वो है। सर, मेरा सवाल आपसे है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर एक किताब लिखी है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये किताब श्री सी बात आपको 1931 से जोड़कर इसे बखूबी बताया है, 1931 से कब तक का इतिहास आप भोजपुरी सिनेमा के इसमें दर्शकों के लिए पेश कर रहे हैं? हमने अभी तक इसे 2008 तक किया हुआ है, क्योंकि हमने देखिए इतिहास लिखने का अभी एक वो क्या कहते हैं आवश्यकता है और गुण है, क्योंकि आप जब इतिहास किसी के बारे में लिखते हैं तो कम से कम 10 साल बाद तक उसको जोड़ना पड़ता है कि उसका 10 साल के बाद तक उसका रूप क्या होगा, या 10 साल पहले तक आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रूप अधूरा रहेगा। मान लीजिए 2005 तक आपने अगर इतिहास लिखा है तो उसको आप 2010 तक 2012 तक आगे बढ़ेंगे, 5 साल 7 साल आगे बढ़ेंगे, तब जाके उसका रूप जो 2005 का है वो सामने आएगा, नज़र आएगा। इसलिए जो भी इतिहास लिखा जाता है उसमें 10 साल का गैप हम लोग रखते हैं कि ताकि वो 10 साल के अंदर उसका जो रूप परिवर्तित होता है, उसका जो रूप धारण होता है, उसका जो स्थायी रूप आता है वो लोगों तक पहुँचता है। हम आज की बात अगर लिखते हैं तो इतिहास नहीं होगा, ये घटना हो सकती है, इतिहास नहीं हो सकता है, 5 साल के बाद हम यही घटना इतिहास बन जाएगी। तो इसीलिए जब इतिहास लिखते हैं तो 10 साल का हम लोग मार्जिन रखते हैं कि जब भी हम लिखते हैं 10 साल, अगर मान लीजिए ये 2023 है तो कम से कम 7 साल पीछे तक का हम लिख सकते हैं, 2015 तक का हम लिख सकते हैं, उसके बाद का हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी परिवर्तन आ सकता है टेक्नोलॉजिकली। राजन जी, इस पुस्तक में किन हीरो का आपने जिक्र किया और किन हीरो का आपने दरकिनार कर दिया? बेटा सब बड़ा देखिए, ये तो सवाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि जो हुआ है वो हुआ है, जिसने रोल किया है उसने रोल किया है, जिसने रोल नहीं किया है उसको हम कैसे रोल दे सकते हैं जिसका नहीं है। कि आपने बात किया तो उसमें 2008 के बाद कई सारे जो ऐसे कलाकार है, खेसारी लाल और भी तरीके कलाकार, देखिए खेसारी लाल 2008 के बाद के हैं, उससे पहले के नहीं है, अगर हैं तो उस वक्त उनकी बनावट हो रही थी, वो बन रहे थे, बनने के समय में इतिहास नहीं लिखा जाता है, बन जाने के बाद ही उनका रूप जब सामने आ जाता है क्रिस्टल की तरह, तभी जब उसके बारे में हम कलम उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सर जैसे आपने कहा कि आपने इस बुक में पूरा फैक्ट लिखा है, तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी होगी, कुछ नेगेटिव चीजें भी आई एम श्योर आपने मेंशन की होगी इसके अंदर। जी हां बिल्कुल। किस तरह की कठिनाई आई अगर उस बारे में कुछ बताए, क्या आपने क्या सच में मेंशन की है नेगेटिव चीजें भी इस पुस्तक में, अगर उस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, 1964 में पहली फिल्म भोजपुरी की 1962 में बनी, 63 में बनी, 64 में बनी, 2 साल तक तो भोजपुरी फिल्म का तो बाबा था, जलवे थे,
उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया 2 साल के बाद ही। क्यों? क्योंकि ये जो अधकुचरे लोग होते हैं ना, पैसा उनके पास होता है, ज्ञान नहीं होता है, तकनीक नहीं होती है, वो कूद पड़े भोजपुरी फिल्मों को बनाने में कि चलो हम फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर अधकचरा, टेक्नीशियन अधकचरा, राइटर अधकचरा, जिसको अरे पैसा इकट्ठा करना है ना, पैसा कमाना है, लोग पागल ना पैसा के लिए, तो चलो बनाते हैं। तो नतीजे क्या हुआ, 1964 के बाद फिल्में खत्म होने लगी। 1968 के बाद तो एक भी फिल्म नहीं मिली, बनी नहीं, बंद हो गई सब। 1977 तक 10 साल के पीरियड में एक भी फिल्म नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि लोगों में लालच आ गई, लोगों में पैसा बनाने का, अरे कुछ तो दीजिए, आप कुछ देंगे, कुछ ध्यान त्याग करेंगे तो आपको कुछ मिलता है और उसका फल भी मिलता है। आप त्याग ही नहीं करेंगे, आप लूटने के चक्कर में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि भोजपुरी फिल्म बंद हो गई 10 साल तक। 1977 में फिर से 10 साल के बाद, 10 साल ही कहेंगे ना, वो जो पिक्चर थी दंगल करके आई पिक्चर, और रंगीन बन के आई, क्योंकि अगर वो ब्लैक एंड वाइट होता तो शायद लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन उस इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए दंगल को रंगीन बनाया, और वो पिक्चर इतनी सुपरहिट हुई कि फिर से दूसरी गाड़ी भोजपुरी फिल्मों की चालू हो गई, दूसरा दौर शुरू हो गया। और 1977 से लेके 1979 तक ये पिक्चर का दूसरा दौर चलता रहा, और एक के बाद एक टेक्निक, सोचिए ना, फिल्में हर साल बढ़ती गई। 1986 में 19 फिल्म बनी है, जो आज भी रिकॉर्ड है, किसी भी बोली में इतनी बड़ी फिल्म नहीं बन पाई है। एक साल में 19 फिल्म बनाना कोई छोटी बात नहीं है। सर, मैं ऐसी कोई रोचक जानकारी मेरे पास एक है, जैसे कि भोजपुरी गायक गाने की वजह से और फिल्मों की वजह से मनोज तिवारी को हिंदुस्तान मिली, हिंदुस्तान के बाहर डाक टिकट इशू हुआ था, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोई रोचक जानकारी अगर इस पुस्तक में तो आप जरूर बताइएगा। अरे भाई, एक रोचक ही है ना, अमिताभ बच्चन को छोड़ा ना, अमिताभ बच्चन भाग के चले आए, हम भोजपुरी फिल्म करना है, हमको एक्टिंग करना है। मिथुन चक्रवर्ती चले आए कि हमको एक्टिंग करना है भोजपुरी में, क्यों दूसरी फिल्मों में नहीं गए, दूसरे भाषाओं में बोली में नहीं गए, क्यों भोजपुरी में ही आए? आप, मैं कहने का मतलब है, कुछ तो आपके अंदर कोई खास बात है, तभी तो लोग आएंगे ना। रवि किशन क्यों आ गए, हीरो बन गए वो, क्यों इतनी जल्दी बन गए वो? सोचने वाली बात है ये कि आपके अंदर कोई गुण है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं, आप लोगों को हाईलाइट करते हैं, और उस तरह से हाईलाइट करते हैं कुछ गलत चीज़ नहीं है, आप जो हैं वही उसको फोकस में मार डालता है और वही लोगों को तक दिखाई पड़ता है और लोग उसको पसंद करते हैं। सर, उनका ये कहना है कि अपने मुकेश मनोज तिवारी जी के लिए कुछ इसमें कुछ लिखा है कि उनके बारे में कुछ, बिल्कुल, मनोज तिवारी भी तो उनके बारे में लिखा हुआ है। सर, ये भोजपुरी फिल्मों, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें है कि नहीं। जी जी, गिरावट आई भोजपुरी फिल्म, उसको किसके जिसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं वही तो बोल रहा था कि अधकचरे लोग अंदर हो गए, पैसा लेके चले आए, लोगों को पैसा चाहिए था और चले आए, अधूरा ज्ञान लेकर के चले आए, न उनको टेक्नोलॉजी मालूम थी, न उनको कोई आगे का कहानी के बारे में कुछ, ना डायरेक्शन, ना राइटर, सबके सब ऐसे थे, तो इनसे क्या चलेगा? कोई भी चीज़ अधूरी चीज़ आप लेके आएंगे, अधूरा ज्ञान लेके आप आएंगे, तो जो प्रोडक्ट सामने आएगा उसको कौन लाइक करेगा? कोई भी लाइक नहीं करेगा। राजेंद्र जी, जी, जैसे आज के जमाने में कोई अधकचरा है आपकी नजर में? एक मिनट, जो सवाल आप कर रहे हैं उसी सवाल का अगला स्टेप है कि आपने 2008 तक इतिहास लिखा, इसके बाद का भविष्य आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है भोजपुरी का? देखिए, अभी जो कुछ भी दिखाई हम जो देख रहे हैं, पहली बात, एक तकनीक बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बोलने का, कहने का, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो इस हिसाब को लेकर आज के जो भी टेक्नीशियन हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे हाईलाइट करेंगे, अगर तकनीक बदल गई है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है,
ये उनकी का उसकी जिम्मेदारी है, वो लोग का काम है ये कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आज का जो टेक्नीशियन है, आज का जो फोटोग्राफर है, आज का जो राइटर है, डायरेक्टर है, आज का जो सिंगर है, आज का जो म्यूजिक डायरेक्टर है, आप देखिए ना म्यूजिक में भी कितना परिवर्तन हो गया था, जो शुरुआत की म्यूजिक था, बाद का म्यूजिक था, और आज का म्यूजिक देखिए कितना परिवर्तन आ गया। क्या आप कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी म्यूजिक है, क्या हिंदुस्तानी संगीत है, ऐसा आप कह सकते हैं सुनकर गाना सुनकर? क्यों? क्योंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है, आज जो भी है कल जाके बदल जाएगा वो। तो इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, वो सिर्फ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो हो रहा है उसी को हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं। आपने क्या कर रहा है, आपने क्या मनोज तिवारी कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो आज का दौर जो है वो ऑनलाइन का दौर है, तो आप पुस्तक लेकर क्यों आ रहे हैं, कुछ खास बात? देखिए ऑनलाइन सबके बूते की बात नहीं, ऑनलाइन के लिए सामने तो कुछ चाहिए ना आपको देखने के लिए, कौन लाएगा, लिखेगा तभी आएगा ना सामने। बेसिक चीज क्या है, रूट क्या है, लिखना, लेखन, लेखक अगर है तो कलम से लिखता है वो, और उस कलम को वो तकनीक के जरिए वो चेंज करता है, चाहे ऑनलाइन पे जाए या फिजिकल पे जाए, चीज़ तो वो है। आप तक वो चीज़ पहुंच कैसे रही है, उस तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ज़रूरत है उसकी। लिली जी आप कुछ कहना चाहेंगे? लिली जी मैडम, वो आपने जो भोजपुरी नृत्य नाटिका की थी वही दैया, उसके बारे में लोगों को बताइए। मुझे तो याद नहीं है भाई, जब मैं जब मैं छोटी थी हीरोइन थी तभी मैंने वही दैया की थी, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसका एक मुखड़ा याद है क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज ए डांसर, तो नृत्य नाटिका थी और कोई भोजपुरी प्रोड्यूसर ने बनाई थी ये नृत्य नाटिका, तो उसमें राज कपूर साहब चीफ गेस्ट बन के आए थे और इन्होंने काफ़ी सारी भोजपुरी भाषा भी की थी, आर्टिस्टों की भी की थी, सबकी की थी, और इसमें मैं हीरोइन का रोल कर रही थी। इसमें गाने का मुखड़ा मुझे याद है, वो थोड़ा सा गलत हो तो पता नहीं। घूंघट है एक शाम सलोना, नैना है दो तारे, ज्यादा ना तड़पाओ गोरी, हम है रूप के प्यासे, के घूंघट खोलो ना, के घूंघट खोलो ना। ऐसे नृत्य नाटिका होती थी, उसमें मैंने काम किया था भोजपुरी पिक्चर में। अभी तक मुझे कोई प्रोड्यूसर ने बुलाया नहीं, नहीं तो अदरवाइज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू द डिफरेंट टाइप ऑफ रोल। संजय भाई पिक्चर बनाएंगे और मेरे बाजू में भी एक प्रोड्यूसर बैठा है, वो भी बनाएंगे और बुलाएंगे, तो ये एज में भी मैं तो टिल माय डेथ मैं स्टेज की रंग देवता की पूजा करना चाहती हूँ। बुलाएंगे तो काम करने जाएंगे, नॉट डिफिकल्ट, कोई भी लैंग्वेज में काम करो मुश्किल नहीं होता है। सर आप क्या कहेंगे सर? हाँ जी, आप क्या कहेंगे आपके बारे में सर? नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी बात अभी कर रहे थे कि डिजिटल का ज़माना है और उसमें ये बुक लिखी गई है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत इनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की डिजिटल के ज़माने में, और जो बुक पढ़ने वाले हैं वो बुक ही पढ़ते हैं, कितना भी मोबाइल लेके आओ मोबाइल पे 50 बार उंगली घुमाओ ये घुमाओ बहुत मगजमारी, तो मैं मेरे हाथ में अगर बुक आएगी तो मैं पहले बुक पढ़ूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका कि ऐसे डिजिटल के ज़माने में इन्होंने बुक लिखी है और ये उम्र के पड़ाव में, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इनका। मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ भोजपुरी के बारे में। लेखक तो सबसे बड़ा होता है, जो भोजपुरी लेखन पे ही रहती है ना, स्टोरी अच्छी है तो कचरा भी चल सकता है। जब भोजपुरी के लेखक इज ए बैकबोन ऑफ द स्टोरी, वो लेखक हो चाहे वो गीतकार हो, ये सब बैकबोन ही होते हैं, और वो रजे वो जो है चित्रित करते हैं, बताते हैं कि हम किस रूप में हैं और कहाँ जा रहे हैं। अब आपको बताया मैंने कि जब भोजपुरी का सपना चढ़ा और लोगों ने भोजपुरी में फिल्में बनानी शुरू, भोजपुरी शब्द को लेकर, भोजपुरी टॉपिक को लेकर हिंदी में फिल्में बननी शुरू हुई थी। उस वक्त एक फिल्म बनी थी खिड़की, खिड़की में एक गाना रखा गया था, भोजपुरी में गाना था, वो हिंदी फिल्म थी, भोजपुरी में रखा गया था, और वो था गांधी जी के ऊपर,
एहो चुन एहो दुलानिया तू जावो बजरिया लाओ चुनरिया से खादी की क्या खादी की हाँ खादी की जय बोलो महात्मा गांधी की जय बोलो महात्मा गांधी की। ये चीज है तो जो जरूरत है उसी का चित्रण होता है और वही पब्लिक तक पहुंचाई जाती है, पब्लिक उसको पसंद करती है। गलत चीज पब्लिक कहीं पसंद नहीं करती है। देखिए मैं बेसिकली फाइनेंस से हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, लेकिन भोजपुरी पिक्चरों का अभी रीजनल फिल्मों का टाइम अच्छा है और अगर पिक्चरें बनेगी और अच्छी पिक्चरें बनी फिर सब्जेक्ट अगर अच्छे हो तो डेफिनेटली भोजपुरी पिक्चरें भी चलेगी। और जो प्राइसिंग हो गई है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी हिंदी का देखकर भोजपुरी लोग भी एक्टर भी उतना ही मांग रहे हैं और पैसे का जो ये हो गया, जब तक कि पिक्चर देखने वाले नहीं जाएंगे तो कितना भी पैसा लगाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। पिक्चर देखने वाले जाना चाहिए थिएटर में और ये सब पिक्चरें थिएटर की है। ये इस पर जब आने हैं कि इस पर डिजिटल पे आनी है वो बात की है, पहले थिएटर में आदमी जाना चाहिए और थिएटर में लोग नहीं जा रहे, ये सब में बड़ी दिक्कत है। मेरे ख्याल से अब गलत नहीं हूँ, अब तो सब पार्टनर हो गए, सब तो ये गलत है सर। एक जमाने में सिर्फ हीरो हीरो होता था, कभी प्रोड्यूसर नहीं होता था। ये हिंदी का ही सीख के सब लोग उधर, हाँ हिंदी नहीं सिखाया है सबको। मनोज तिवारी गायक होते हुए भी हीरो बन गए, आप ये बताइए मनोज तिवारी गायक होते हुए भी हीरो बन गए, कैसे बन गए? कहीं तो कुछ हुआ है तालमेल, तो कहीं कुछ हुआ है ना। पहले के लोगों में ये तालमेल नहीं था, वो सीधे लोग थे। अब सब प्रोड्यूसर बन गए सर, अब सब प्रोड्यूसर बन गए। वो प्रोड्यूसर जो एक्टर प्रोड्यूसर बने उनको बोला पैसे लगाए, तो पैसे नहीं लगाए। अब आप देखिए ना फिल्मों का बजट कितना आगे बढ़ गया है, क्यों बातचीत काफी हो गई है।